इसराइल के हालात जैसे आपको पता ही है न्यूज़ में जो आ रहा है बॉर्डर पे, तो स्थिति वैसी ही है गाजा के पास और जो सब साउथ में है, मतलब अब बहुत बेहतर है जो स्टार्टिंग में जो हुआ था सैटरडे को संडे को। अभी तेल अवीव में तो बहुत सेफ है, तेल अवीव वैसे भी डर का माहौल तो देखिए रहता ही है कि ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है कि जो हर दिन आप देखते हो, तो डर का माहौल तो सभी में है, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, जो इजरायलीज लोग हैं वहाँ पर, वो भी हैं, सब डर का माहौल तो सब में ही है, क्योंकि कभी भी सायरन बज सकता है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है हर टाइम कि अगर मान लो ऐसा भी होता है कि कोई मोटर बाइक बहुत स्पीड से जा रही है तो आपका दिमाग एकदम से जाता है कि कहीं ये सायरन तो नहीं है, तो हर टाइम आप थोड़ा अलर्ट रहते हो। इंडिया आने में कोई परेशानी हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, बिल्कुल आराम से सब आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही इजीली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया, मेल भेजा और सब इजीली हो गया है। 4 फ्लाइट ऑलरेडी आ चुकी हैं और अभी और भी आएंगी, तो बहुत अच्छे से। मैं बस तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी कि हमारे सब, स्पेशली मेरे घर वालों की तरफ से, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, स्पेशली मेरी दादी, उनको बहुत ज्यादा वो परेशान हो रही थी न्यूज देख देख के, तो वो अभी बहुत रिलैक्स है कि चलो ठीक है बेटी घर आ गई है, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत शुक्रिया कि हमारे घर वालों को भी थोड़ा रिलीफ मिला और स्पेशली हमें भी कि अब हम अलग माहौल में आ गए हैं, अब यहाँ थोड़ा दिन रहेंगे, फिर स्थिति ठीक हो जाएगी तो वापस जाएंगे। थैंक यू फॉर दिस इवैक्यूएशन। द स्टूडेंट्स वर वेरी पैनिकिंग बिकॉज दे आर जस्ट फ्रॉम 2 years एंड डिडंट नो व्हाट दिस एयर स्ट्राइक्स एंड व्हाट इफ द मिसाइल्स कम्स व्हाट दे हैव टू डू एंड ऑल, सो दे पैनिक एंड दे केम बैक एंड अदर स्टूडेंट्स हु आर यूज्ड टू इट दे आर स्टेइंग एंड दे आर डूइंग देयर रिसर्च। अभी तो बहुत टेंस सिचुएशन है, तेल अवीव सिटी तो रिलेटिवली सेफ है पर सदर्न इसराइल अभी बहुत मुश्किल में, बहुत मुश्किल है। मतलब गाजा के इधर, गाजा के लिए कोई आपके नोन वहाँ पे जो फंसे हुए हों अभी भी? कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पासपोर्ट्स दूसरे एम्बसीज में, पर ऐसे फंसे हुए नहीं। के लिए अभी कोई रिस्ट्रिक्शंस भी फॉलो करना पड़ रहा है क्या? नहीं।